शीला, अरे बाबू को चाय पानी ले आओ भाई, फिर आपका खेतों भी जाना है। लाएंगी। जल्दी ले आओ। सुमन जरा एक गिलास पानी लाना। मुझे आज बाजार ले चलो, सामान ले आमे। राजू की क्या चली जाती? उस लड़का को फुर्सत काम घूमने से बिगाड़ा हुआ भी तो दे रही है। इस उम्र बालक खून पान कराएंगे। बालक बालक बता रही है उसे, साला खा खा के सांड हो रहा, काम कुछ करता नहीं। उसका ब्याह कर दो, अपने आप करने लगेगा काम। मगा थम जा महारानी, ज्यादा सपने मत सजावे। कौन दे रहा है तुम गाड़ियों को अपनी लौंडिया? मारे राजू को कम समझ रहे हो, हजारों में एक है। यूं तो तू सही कह रही है, हजारों में सबसे बड़ा निकम्मा यू ही है। रे लड़ाई देख ले, फेल जाए पड़ा दिखा है, आज मेरा हाथ है सारा कुट के रहेगा। हे भगवान, ये भी रोज़ लड़ाई देता है। चीनी थोड़ी कम कर, बहुत मीठी चाय हो रही है। ठीक है। रे लड़ाई होगी लड़ाई। ये तेरा लाडला फिर लड़ पड़ा दिखा है, इसका हमारा खाना पीना हराम कर खा बिल्कुल। हे भगवान, ये लुंडा फिर लड़ पड़ा दिखा है, इसने भी मार का खून ही पी दिया। सारी लाइट को भी जाना, सारा मजा किरकिरा कर दिया। ऊपर वाले तो मेरे लिए करने को छोड़ दे, हटा हुआ मैं तुझे अच्छा लग रहा था। चल भैया, कैसी तेरी लीला। कुछ इंतजाम है? अरे सोनू भाई, ये अड़ंगा तो आन लग रहा है, तबे तो जब खुश होगी। और बहुत सारा इंतजाम है, देख लिए। अच्छा? हां ले, तू बोलिया लीले अड़ंगा। क्या बात, आ लगा मजा, मजा आ गया तेरी। ओए लीले यार, अरे लीले सारे का तूने भी इतना टाइम लगा दिया। हाँ? लिया ला ना भाई, क्या बात है, क्या बात है मजा आ गया भाई। भैया मैं पानी तो मिलाओ ना, ऐसी क्यों ना लो गीले होगा। चल भैया, शराब किसने बनाई होगी? लीलू भाई, ये शराब हम जैसे सिर्फ रहने बनाई होगी। अच्छा, तो एक बात बताओ, अरे यार तुम रात की चिंता मत करो, रात को फिल्म देखने चलेंगे। पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया। मुझे
ठीक है? मेरे पेट में ना गड़बड़ हो रही है, मैं हल्का हुई हूँ। अबे साले तू भारी कब था जो हल्का होने जा रहा है? अबे यार तू हमारे मूड की ऐसी कैसी कर रहा है? जा भाई हल्का जा रहा हूँ मैं भी जा जा चकना खा। सोनू चाचा लिया तेरा भैया लिया राजू भाई भाग। अबे साले अपना पिछवाड़ा तो धो ले। पिछवाड़ा नहीं धो लूंगा, पता बड़े पिछवाड़े के ट्रैप धोने का चक्कर में। भाई फिल्म में मजा आ गया पूरा। बड़ी जबरदस्त फिल्म है। अगर आपको लड़ाई हुई ना तो ऐसे ही करेंगे जैसे फिल्म में हुई। साले बात तो ऐसे फाड़ लिया, कितना बड़ा बहादुर हो हैं? जब लड़ाई हो गई तो भागता ना तेरा मैं, अब तू लड़ाई लड़ेगा। देखिए कौन है, आन दे मैं देखूंगा। हाँ भाई रोक ले, चले जा रहा है इसमें कबाड़ी है, कबाड़ का सामान ले जा रही है। देख लिले, अरे पागल भाग रहा। लिले देखिए जरा क्या ले जा रहे, कबाड़ा है तो कबाड़ा, उसमें तो दो मोटर है। अबे चोरी वाली चोरी चोरी चोरी, तुम जानते नहीं हो हमसे दुश्मनी, तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ओ भेड़ के फुप्पा देखिए, ज्यादा अफर मत वरना तेरी सारी हवा निकाल दूंगा। माल यहीं छोड़ो और भागो यहाँ से, अन्ना सड़ो तुम्हें घर वाले भी ना पहचानने के। और देखिए जब मैं एक बार शुरू हो जाऊँ ना तो किसी के और से भी ना रुकता। तुम जानते नहीं हम जगवीर प्रधान के आदमी हैं। ओए अच्छा, तो किसी का भी आदमी सही कह दिए उससे, देख लेंगे तुझे। साले अभी सोनू एक काम कर, मोटर घुरा और कल बाजार में अच्छा मोल देख के बेच देंगे। यार तो भाई मजा आ गया मोटर बेच के। मजा तो और गया होगा, नए लत्ते लाऊंगे और जूते भी लाऊंगा। फिर लाते लाते ला ला दे, फिर नए लत्ते लाऊंगा ला ला दे दे मैं दे रहा, मैं दे रहा तब मैं नहीं दे रहा वो दे। मैं क्या पढ़े रहोगे के इतना ना है। बदतमीज है तुम, अंधे होके भाग रहे हो। माही पापा को फोन लगा, अभी सबक सिखाते हैं इन दोनों को। थारी भी तो गलती, तुम भी तो देख सके। ओ मिस्टर ज्यादा बकवास करी ना तो जेल भिजवा दूंगी। ऐसे कैसे भिजवा देगी, तेरे बाप का राज है। हाँ है, मेरे पापा का राज है। अरे तुम कैसे चुप खड़े, बोलते क्यों नहीं? मैडम जी गलती मारी है, मम्मी अंधे हो गए थे। ठीक है माही चल, हमारे सामान कौन उठा के देगा? अजी मैं उठाऊंगा। कहाँ जाओगे? अपने घर जाएंगे। अजी थारा घर कहाँ है? ओ मिस्टर अपना काम करो। भाई यू क्या सीन है, तुम शहरी बिल्लियों के चक्कर में चूहे बन गए? तू ना समझ। अरे चलो जाओ घर चलो। अरे वो यहाँ सुनिए। हाँ बताओ। ये लत्ते कहाँ से लाया खरीद कर? ये राजू के भैया ने राजू को पैसे दिए थे कपड़े लाने को, तो उसने खुद भी खरीद लिए और मुझे भी दुआ दिए। अरे तू झूठ तो नहीं बोल रहा? सब थारी तरियो थोड़ी है,
सब अपने लोंडे को टिप टॉप रखे हैं। यहाँ पिताजी से 100 रुपए मांगो, 100 सवाल सुना दे, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा भी खर्चा है। कमाल है फिर, क्यों फिरा खाली? तो खुलवा दे फोन की दुकान। तेरी जमीन पड़ी उसमें करता खा ले। मेरे बस की ना धूल भागनी, कोई ढंग का काम करूँगा। तो बेटा खुद कमा कर कर ले। बस हो गई पैसे, करना धरना कुछ बस की है, करवाना कुछ है नहीं, बस बिन बात की बात बनाए जा। अरे तुम कहाँ से आ रहे लूटे पीटे से? बस सारा नुकसान हो गया। क्या हो गया? अरे कोई चोर बगल की मोटर लेगा तो आ गया। हमारी मोटर थी? हैं? क्या बोला? अरे मैं नुकर रहा हूँ उसे हमारी मोटर मिली ले जाने को। और तू ये दबे लेते कर रहा? अरे तेरी करतूत तो ना आए हराम भी। अरे मेरी करतूत क्यों होती? बस बिन बात बन चिल्लाना, मुझे ना पता किस किया, मुझे क्या पता। अजय तुम ज्यादा टेंशन ना लो, जो हो गया हो गया, तुम बैठो मैं रोटी ला रही थी। राजू। हाँ भाभी। ये नेलते कहाँ से लाया? सोनू ने दिलाया मुझे नेलते। सोनू ने? और क्या, उसके पिताजी उसे पैसे देकर रखे, खाड़ी तले कंजूस ना है। मेरे पिताजी होते ना तो मुझे भी पैसा दिया करते। तुझे पता है कितनी मेहनत से कमा जा पैसा, तुझे डर लटाने को तो कोई काम सिलवा देना। बतेरी जमीन पड़ी है, जान कमा ले। आजकल जमीन से कुछ ना हो रहा, सबने अपने काम खोल रखे। हारे कमाए पैसा, जा कमा ले और काम खोल ले। साला नुकसान का नुकसान हो गया। क्या हो गया? साला कोई चोर ट्यूबवेल की मोटर ले रहा उतार गए। वो हमारी मोटर थी। कौन सी मोटर? मोटर कौन सी मोटर? अरे तू ही तो कह रहा मोटर। अरे मैं तो नहीं कह रहा कि मोटर कैसे चोरी हो गई। अरे ये नए कहां से लाया? ये तो मुझे किसने दिलाए? तेरे कुछ गड़बड़ तो ना। बस अब तुम भी उसमें आकर दिखा लो, तारे साहब ना पानी बेकार है। तुम ज्यादा टेंशन मत लिया करो, सारी सहेलियां तो फिर कमा लेंगे। अरे एक टेंशन तो ना है मुझे। तुम दिमाग ठंडा रखो, मैं तुम्हारे सहेली लेके आती हूँ। यार यो क्या हो गया? अगर पिताजी को पता चल गया तो? यार जो होगा सो होगा, कुछ ना पता पड़ ली पिताजी को। पर यार मेरा दिल तो उस लड़की को भूल ही ना रहा। अरे यार यही हाल मेरा है। पर ये बता उनका पता कैसे चलेगा? मैं क्या पत्रा देखने जानू जो बता दू कहाँ मिलेगी? यार यो बता उन्हें ढूंढे कहाँ? तुमने उसकी स्कूटी का नंबर देखा था? अरे यार उसे देख कर तो कुछ और दिखा ही ना। अबे यार तो फिर कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? अरे यार वहीं ढूंढेंगे जहाँ टक्कर हुई थी, वहीं चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्या पता फिर आ जावे। चल तो भाई ठीक है, उठा मोटरसाइकिल। चलो चाचा एक काम करें, पुरानी मोटर ले ले। अरे पुरानी कहाँ मिल जाएगी? कबाड़ी वाले पे मिल जाएगी। चल देखते हैं, हमारा नसीब ठीक रहा मिल सके ना तो नहीं देनी पड़ेगी। खेतों को पानी देनी है चाचा। चल चलो। भैया कोई पुरानी मोटर है? तेरा मतलब यू है हमने अपनी मोटर तुझे बेच दी और अब खरीदना है? पागल समझ रखा दिखा है हमें? हमने तो कबाड़े में खरीदी है। मैं कर रहा हूँ पुलिस को फोन, कबाड़े के आड़ में चोरी का काम कर रहा बेटे, तो जेल जावेगा। दो लड़के आए थे मैं देख लिया। भाई इन लड़कों ने तो हद कर दी, इनका तो कुछ रहा बांधना पड़ेगा। पर जो ये अपना सुधरे ना तो जीवन कभी ना सुधरे। कतेक में खरीदी है? 4000 में खरीदी है। ठीक है भाई रुपए मिलेगा 2000। मैं बुला रहा हूँ पुलिस को, कबाड़े के आड़ में चोरी का काम कर रहा
बेटे तू तो जेल जावेगा। ठीक है चौधरी साहब 2000 रुपए दे दो और मामले को बढ़ाओ मत। ले पकड़ और ये मोटर रखो मोटर। देख रही कर तू तो? अब तू शर्म नहीं आई अपनी मोटर उतारा खुद बेच आया। अरे मुझे क्या पता था हमारी मोटर है, दो चोर लेकर जा रहे थे हमने उनसे छीन ली और वो कह रहे थे हम जगबीर प्रधान के आदमी हैं। तुझे लगा सच बोल रहा? अरे मैंने बता दिया मैं सच बोल रहा हूँ। फिर भी सोनू बेटा तेरी गलती है। मान तो लिया मेरी गलती है। अच्छा जगबीर प्रधान से काम करने लगा? ये बात तो प्रधान जी को जानी पड़ेगी। वाह शाबाश भाई वाह, आप अपने घर में चोरी करने लगे? ओ भैया देखियो ना ना भाई चोरी। ए बापी तुझे समझाती क्यों ना, तुझे पता जगबीर प्रधान के आदमी ले जा रहे थे मोटर, उससे छीनी हमने। सुधर जा तू राजू सुधर, ना तो बहुत पछताएगा। बस भैया हो गई गलती अब ना होने की। चल तू जा। ऐसा मुझे डांटता रहे। बता जगबीर प्रधान भी ये काम करने लगा? मुझे प्रधान जी से बतानी पड़ेगी, मैं जा रहा हूँ प्रधान जी को बताने। ऐसा है प्रधान है बहुत खतरनाक आदमी, बहुत पक्के सबूत के साथ और सावधानी से काम करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ करेंगे, अब तुम जाओ मैं अपना आप देख लूंगा। ठीक है प्रधान जी। अच्छा राम राम। ठीक है राम राम। यह तो वही लड़का है जिसने हमारी मोटर छीन ली थी। बड़े दादा की चल रही तो फ्राक मांग रहा। चारे लड़ने का शौक है ना, सोनू राजू से लड़िए वो बताएंगे। ए शंभू ना है मेरा शंभू, मैं अपने दुश्मन को मारता नहीं, भसम करता हूँ भसम। जब मेरे यार मेरे साथ हो ना तब दिखाइए कितना जिगरा तेरे में। बेटे जिस दिन तेरे यार दोस्त तेरी गैल होंगे उस दिन तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा, लेकिन आज तो तुझे शंभू का ट्रेलर देखना पड़ेगा। मार भेजे
बस शंभू भाई, अगर ये मर गया तो हमारे टेलर के बारे में अपने दोस्तों कैसे बताएगा? नहीं गया राधु, चलो चल, याद रखेगा, पूरी याद रखेगा। अरे तुम दोनों यहाँ हर चक्कर में लड़के बवाल हो रहा, चलो जाओ यहाँ से। चाचा तुम दिक्कत मत लो, यो हमारा दोस्त है, इसका बदला हम लेंगे। ओ भाई, हमें ना लेना बदला वाला, तुम हमें माफ करो, आज के बाद में तुम मेरे लौंडे के अलावा मत आइयो। चाचा तुम दिक्कत मत लो, यो हमारा दोस्त है। अरे दोस्त कहाँ, तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है चाचा, अब हम जा रहे हैं। हाँ जाओ, और साले को इतना फाड़ूंगा, इतना फाड़ूंगा ना, फाड़ फाड़ के टुकड़े कर दूंगा, और हम अपने यार का बदला जरूर लेंगे। तुम आइंदा इसके अलावा नहीं जाओ। चल सोनू, चल भाई। भाई आज तो मजा आ गया, तसल्ली सा कुत्ता आज किसी को। और सालों की दोनों की फट गई होगी। ओ बड़ी शंभू, शंभू नाम है मेरा, मैं मार रही हूँ, भसम करता हूँ, भसम। और तुम काम पे जाओ। ये भाई, अरे देखे चाय किसी की बहस फोन कर लीजियो, खाली याद बात नहीं बता दीजियो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, पहले पुराना हिसाब बराबर कर ले। कौन है? अरे तुम तो भाई दोनों हो जिसके दोस्त को हमने मारा है। तुम क्या बताएंगे? तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद ना थी कि तुम खुद चल के शंभू की शरण में आ गए। हम ना अपने दुश्मन को ना घर में घुस के मार रखना है। हाँ अरे शंभू आ गया शंभू। हाँ भाई, हम भी मारा कम है, खचेड़ा ज्यादा है। अरे चल चल, बहुत इलाज कर लिया तूने साले, अब मुझे भी तो करने दे। आइंदा पंगा मत ले लियो। अरे हो गया पंगा, अब मैं देख लूं से कितना पंगा करूंगा। हाँ भाई, ओ जमुरे। अरे माँ जल्दी लिया, अरे माँ जल्दी लिया, रोटी भूख लग रही। अरे रुक जा, नाच गए तन्ने ही खून पी दिए। हाँ भाई, अरे रात के कांड कर दिया। मन्ने के कर दिया? के कर दिया जी ने? इसकी खाल दाटनी पड़ेगी। अरे सुन तो जाओ, नो तो बता दो कर के दिया, रुक तो जाओ। इसका परले गांव का प्रधान है ना जगवीर, उसके भैया की पिटाई करती है राजू गैल मिल के, और इतना बुरा पीटा है वो वहां बड़ा अस्पताल में तो होश भी ना। अरे ये क्या सुन रही मैं, उसने मारा तो लिल्लू पीट दिया। अरे हम तो बताता, हम चलते थे साथ में, हमने ले लिया बदला। तू खुद ही मरेगा, हमें मरवा इसे ले जाए भीतर, भीतर ढूंढ के ले जाए। चल खड़ा हो भीतर, चल। और मैं जाऊं प्रधान दो रहा। ठीक है चल भीतर, और यहाँ का निकल ना जाइए, बता रही मैं तुझे। दिक्कत यह है
कि जगवीर ने कोई तैयारी नहीं की थाने में, लेकिन इसका मतलब यह है कि कोई फैसला करना नहीं चाहता। फिर वो कोई घर लाकर हमला करने की तैयारी में है। अब पता नहीं कैसे करे, बड़ा मुंह हो गया। सबसे पहले उन दोनों को इस गांव से बाहर भिजवाओ, फिर हम पंचायत करके कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। इन्हें इनके मामा भिजवा दो। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करियो, इस तरीके मत भेजियो। जगवीर बहुत तेज आदमी है, एकदम पता निकाल लेगा। तुम ऐसा करो, मेरे एक दोस्त है, तुम मेरे दोस्त को हम दोनों भिजवा दो। ठीक है भैया, पता दे यार। ये लो मेरे दोस्त का पता, जाओ आराम से रहना। और हाँ, घर में किसी को फोन मत करना, वरना जगवीर बहुत सारे दिमाग है, तुरंत पता लगा लेगा। सर चरण खामोखा परेशान थे। अरे घरों की बात माना सीख लो, खाते में जाओगे। चल सोनू, चल चल। अच्छा बता दिया, अरे यार ये तो साक्का हो गया यार। क्या हो गया? अरे जो प्रधान जी ने पर्ची दी थी ना, वो कहीं गिर गई। बहुत बढ़िया, अब लगा जैसे अंधी में गधा लगा है। तो मैंने जान के खोई क्या जो मेरे सर पर उछल लिया तू? पर्ची ना हुई, हम खो गए। अब बताओ किसकी माँ को माँ कहोगे? अरे चल यार कोई बात ना, जो गांव में कुछ रास्ता जा रहे हैं ना, इसका उछल कोई ना कोई निकले। और क्या बचे कुछ जो हम बच रहे थे ना, पर तू बुला को हम लगा। अरे चल चल भाषण मत दे इनके, कुछ चल चल। तो अब सब फोटो दे, फोटो मानना। अरे यार राजू, इस गाड़ी वाले से पता करते हैं। चलो चलो बैग यहाँ रखो। अरे यार इस गाड़ी में तो कोई ना है। तुम दोनों ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, कानून तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। ये आवाज कैसी? चल चल के देखते चल। हमें फांसी लगवाएगा, अब ऊपर जा। कानून के हाथ तुम आज नहीं तो एक दिन जरूर आओगे, और उस दिन देखना कानून तुम्हारा क्या हल करेगा। ऊपर बैठ के आराम से देखियो हमारा क्या होएगा। यार राजू अखाड़ा छुड़ रहा है तो। अरे यार तू चल यहाँ से, एक लड़ाई के चक्कर में तो हद तक आ लिए, खाम न खा एक सांग और जुड़ जाएगा यार। अरे यार डर गया तू? अरे भैया डरा ना हूँ, खाम न खा मारा सांप गले में और पड़ जाएगा। हाँ अरे यार कानून हमारी रक्षा के लिए हो है ना, तो आज कानून खतरे में है तो हम उसकी रक्षा ना कर सकते। ठीक है फिर चल, फिर खोल दोनों हाथ और चल फिर। चल तो शुभ काम में तेरी किस बात की। चल याद कर ले जिसको करना। बेटे मरना जीना भगवान के हाथ में, तेरे जैसे शैतान के हाथ में ना है। तुम कौन हो? हमें खा मखा झपट ले यहाँ से, वरना गोली ये ना देखेगी कि ये तेरी थी। अमर तू मरेगा तो मेरे हाथ से, आज नहीं तो कल। चल 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 निकल दे। ना दूंगा ना हाथ। पापा पापा तुम दोनों। अरे जी हमें किसी गांव में किसी के यहाँ जाना था, पता खो गया, अब भटक रहे हैं। तो बेटे अपने घर चल जाओ, अपने गांव में चल जाओ। नहीं जा सकते क्यों? अरे जी हमारे बाबा आपने नाट दिया। मैं क्यों क्या बात? अरे हम काम हिलाना करते,
काम मिलेगा तो करोगे? पापा बिल्कुल करेंगे। बेटे तुमने मेरी जान बचाई है, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें काम दिला। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें काम मेरे घर में ही काम करूंगा। ले बेटे सारा ले, मुझे सारा मिले। चलो पापा। रेखा मत पूछ, अगर आज ये ना होते तो तेरा भाई जिंदा ना होता। ऐसा क्या हुआ भैया? जो आतंकवादी मैंने जेल में करवाए थे पता नहीं कैसे बाहर आ गए और उन्होंने आगे मुझे पकड़ लिया। इधर टाइम पे ये आ गए, भला हो इनका तो मेरी जान बच गई। अरे जुग जुग जियो बच्चो। न इनके पास काम है और न रहने की जगह है, अब से ये हमारे पास ही रहेंगे और घर का घेर का खेत का जो भी काम है अब सारा काम यही दोनों देखेंगे। कोई बात नहीं भैया, मैं ये समझूंगी, मेरे भैया के दो बेटे और भी हैं। अगर ठीक है बेटा, तो मैं ऐसा करूं, तुम अपना अपना सामान ऊपर रख दो और आराम से बैठो। मुझे तो नू लगे तुम्हारी किस्मत में प्यार ही ना है। अरे यार इतनी बुरी किस्मत भी ना हमारी, और वैसे भी आज हमने भला करा, एक आदमी की जान बचा तो ली। अबे यार जान बचाने की कीमत मिल तो गई, रहने को जगह मिल गई, जगह को क्या चाट रही है? और भी प्यार को चाटेगा तू? और चाट भी लेंगे, मेरे वाली तो बड़ी सोनी है। तो मेरी वाली भी कौन सी कम है, वो तो उससे भी सोनी। अच्छा यार कम कोई से गिना है, पर ये तो बता वो मिलेगी कहाँ? भैया जहाँ मिलेगी मिल जाएगी। भैया मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे, तू नीचे को चल और रोटी का जुगाड़ कर। चल तो चलो चल। भाई बेटा ये चोर नहीं है, इनको मैं लेके आया। अच्छा तुम तो वही हो ना जिससे हमारी टक्कर हुई थी? हाँ जी, उस दिन भी टकराए थे और आज भी टक्कर हो ही गई। तुम जानती हो इनको? पापा हम गाजियाबाद गए थे टेस्ट देने, वहीं मिले थे ये। तुम गाजियाबाद से हो भाई? हाँ जी। पापा हमारे घर में कर क्या रहे हैं? बेटा आज से यही रहेंगे और हमारे घर का सारा काम यही करा करेंगे। अच्छा तो आप नौकर लाए हो? पूजा बेटी इन्होंने मेरी जान बचाई। पापा कहीं इनकी चाल तो नहीं है? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लो करो खाना खा लो।
नौकर ना आया। नौकर ना तो भागो हमारे घर से। क्यों भागे? और भागेंगे तो किसको लेकर भागेंगे? क्या बोल रहा है तू? हम बुरा मत मान लो, जो तुम ही बकवास करता रहे। लाओ दो रोटी खाऊंगा। अगर ये रहना है ना तो हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। मानेंगे क्यों ना मानेंगे, और पूरी जिंदगी मानेंगे। फिर बोल रहा है? चल भाई हम भी देखेंगे कब तक रुकेंगे। ओ भाई रुक, सब्जी मत खाइयो। क्यों ना खाइयो? मैं तो पूरी को साफ करूंगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना मत खाइयो, कभी इसमें कोई घोटाला हो। अरे कुछ ना घोटाला, रोटी में ही भरे कोई घोटाला हो। तू जाना खानी मत खा, मैं तो साफ करूंगा इसे अभी। चल खा ले भाई। सोनू मजा आ रहा। अरे क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अरे कमजोरी आ गई। कैसे है? अरे पानी पानी निकल गया। पानी पानी निकल रहा। अच्छा जब से तैसा कह रहा था हिम्मत का, पर नहीं मैं तो सब्जी सोनू। हाँ मेरे भाई तेरी बात मान लेता तो पानी पानी ना निकलता। अरे कहाँ जा रहा, रुक जा मेरे भाई। कैसा है वापसी निकल गई तेरी तो? कैसा है?
सोनू। क्या हो गया? पानी खत्म हो गया है? मेरे हाथ कैसे धोए तन्ने? इतनी लंबी कतर पड़ी थी उससे पहुंच गई। अच्छा नहीं कुछ नहीं क्या? चल जल्दी साइड को ले, नीचे को हाँ बैठा। भारी बात हुई यहाँ, हद गोर कर दी। चल पल्ली साइड हो, हद कर दी बिल्कुल ही, पता नीचे पड़ गए। दर्द पी लो। क्या हो गया जी, क्यों उदास बैठे? अब तो सोनू भी नहीं है घर में। अरे उसी बार को सोच रहा हूँ, वो पता ना कैसा रह रहा होगा। हमें तो थारा ही नहीं पता, जब वो घर में रहा है तो उसके सिर पर लट लेके भाग के फिरे जाओ, अब वो है नहीं तो इतना दुख मना रहे। ओ भेड़ की फूफी, मैं उसका बाप हूँ दुश्मन ना हूँ, और अब मारपीट तो मैं न्यू करूँ था क्योंकि मोहल्ले में तो उलाना लेकर ना आवे। अरे है क्या भैया कोई घर में? अच्छा प्रधान जी, राम राम, आ जाओ आ जाओ प्रधान जी, यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं बैठ बैठ, कोई बात नहीं। और सुनाओ? बस ठीक प्रधान जी। और सुनाओ प्रधान जी। ये सुनाओ भैया, बस हमें लग रहा फजीता हो गया दिखे। क्या होगा प्रधान जी? राजू और सोनू। क्या हुआ मेरे सोनू को? भाभी राजू सोनू कुछ नहीं हुआ, ये दोनों वहां नहीं पहुंचा, मैंने उन दोनों को भेजा था। फिर कहाँ चले गए? जैसे ही मुझे पता चला था मैं दोनों की खबर तुम दे दूंगा। भाभी तुम चिंता ना करो किसी बात की भी। प्रधान जी मेरे सोनू को लाके तो चाहे कहीं बिल्कुल भी तुम चिंता ना करो, रो दिल थोड़ा ना करो। जैसे मुझे पता चला था मैं तुम्हें खबर दे दूंगा, ठीक है? सोनू के पिताजी कहाँ गए होंगे, सोनू और राजू? अरे पगली तू चिंता मत कर, वे ना कुए कहीं भी, वे तो रो खोदे। तुम तो मेरे बालकों के पीछे पड़े रह करो। हाँ भाई तबीयत कैसी है तेरी? मैं तो ठीक हूँ और सब ठीक भी कर दूंगा। अरे थम जा खत्म, थम जा, क्या करेगा तू? सुन मेरी बात, लिखा काम। ठीक है तो फिर मौका मिलते मार देंगे तो आपका, ठीक है? दो साड़ी। अरे बेटा ही मेरी साड़ी क्यों लेके आया? अरे बुआ तू हमारी बुआ, हम तेरी पति के, अगर हम तेरे लिए लाओगे तो और कौन लाओगा? पर अरे बुआ पर छोड़, वो ये ले सगुन की 2100 रुपए पकड़। यूके है जो क्या है? अरे बुआ का सिंदारा खाली थोड़ी ना आवेगा। चलो ठीक है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपये। अरे बुआ तू इतना दिमाग ले रही, 100-200 ग्राम हमें भी दे दे। बात क्या है? बात क्या होती, तू हमारी बुआ और हम तेरे भतीजे। ओए मुनक्खे से काम की बात कर। अरे बुआ हम तो तेरी सेवा करना चाहते हैं, सेवा में मेवा मिला है। अरे बुआ हम तो इन दोनों बहनों की अकड़ तोड़ना चाहते हैं। मैं भी तो यूं ही कहूँ बेटा, अगले घर जाएंगे कौन सहन कर रहा है इतने नखरे। ए बुआ तू बस हमारा साथ दे दे, 10 दिन में हम इन्हें तेरे कदमों में ला देंगे। बेटा बस मैं तो यूं चाहूँ कि ये दोनों सुधर जा और किसी के घर जाने लायक हो जा। अरे बुआ हम भी ये चाह रहे हैं कि ये हमारी घर जाने के लायक हो जा। हमारी घर? हाँ। मतलब बुआ जी हमारी घर।